नमस्ते दोस्तों, रहस्यमयी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऊपरी हवा यानी नेगेटिव एनर्जी, इनसे आप बिल्कुल सात्विक सुरक्षा चक्र बना सकते हैं। दोस्तों, आप सब शादी विवाह या बच्चे के जन्म पर या इसी तरह और किसी शुभ अवसर पर अपने घर के अंदर चौखट पर तोरण बांध देते हैं। तोरण एक तरह से मजबूत धागे में पीपल के पत्तों को पिरोकर बनाया जाता है और इसे घर की चौखट पर दोनों ओर से बांध दिया जाता है, जिससे कोई भी निगेटिव एनर्जी या ऊपरी हवा अंदर न आ सके और कोई नुकसान न कर सके। लेकिन ऐसा करने पर भी कई बार जान माल का नुकसान झेलना पड़ जाता है। इसीलिए आप ऐसा क्या करें कि इस तोरण की पावर बढ़ जाए और किसी भी तरह की शक्तिशाली ऊपरी हवा या निगेटिव एनर्जी आपकी रक्षा चक्र को भेद न सके। सबसे पहली बात, आप ये तोरण आम के पत्तों का, कनेर के पत्तों का भी बना सकते हैं। अगर आपको पीपल के पत्ते ना मिले तो तोरण बनाते वक्त ध्यान रखें इन खास बातों का। जो पत्ते आपको चाहिए वो कभी भी सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद न तोड़ें, लेकिन तोरण बनाने का वक्त जरूर सूर्योदय या सूर्यास्त को ही होना चाहिए। तोरण बनाने से पहले पत्तों को गंगा जल से स्वच्छ कर लें। पत्तों को अपने मंदिर में रखकर धूप दीप लगा लें और अपनी जो पूजा आप करते हैं वो करें और तब उन पत्तों पर माता के लाल सिंदूर से तिलक करें। अपने दाएं हाथ की मध्यमा से तोरण बनाने के लिए सूती मजबूत धागे का प्रयोग करें। कभी भी पत्ते में छेद न करें और न ही छेद वाला पत्ता ले लें। बंधनवार बनाने के लिए पत्ते की टहनी पर गांठ लगेगी। तोरण बनाने के बाद हाथों में धूप और तोरण लेकर सारे घर के कोने में से जरूर घूम जाएं। महाशक्ति का स्मरण करते रहें कि वो आपके घर की हर ऊपरी हवा या निगेटिव एनर्जी से सुरक्षा करें। अगर ये तोरण घर की चौखट पर कोई लड़की बांधती है तो अति उत्तम होगा। लड़की की उम्र बस 12 साल या कम की होनी चाहिए। एक खास और जरूरी बात, चौखट पर तोरण बांधते वक्त घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर नहीं होना चाहिए। एक बार तोरण बांध जाए तब आप मन ही मन उसको नमस्कार करके बाहर जा सकते हैं। अगर आप बस इस तरह तोरण बनाकर अपनी दहलीज पर लगा देते हैं तो अब आपका घर 100% सुरक्षित होगा। वो ऐसा सुरक्षा चक्र होगा जो किसी भी बुरी शक्ति से भेदा नहीं जा सकेगा। अगर आपको कोई खतरा लगता है तो आप कभी भी ये कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।